ऐसे गर्दन में रस्सी लपेट के ऐसे लटक जाए, और अगर ऐसे करेंगे तो उनकी गर्दन ऐसे लटकेगी और ऐसे उनकी जीभ कुत्ते की माफिक बाहर आ गया। पाक बेचारा अपने वकीलों का मारा, इस भारतीय एक रुपए के बदले अपने 20 करोड़ हारा। जीत गया भाई, जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। क्या हुआ? अरे अम्मी की कसम, सच में पाकिस्तान जीता है? अरे मेरी नहीं, पाकिस्तानियों की अम्मी की कसम। है हजम नहीं हुई? अरे मुझे कहाँ हजम हुई थी, इसलिए पता है मैंने क्या किया? हाजमोला खाया, चक्का लगाया और सब कुछ हजम कर लिया। अब हाजमोला खाने के बाद अब चाहे तुम ICG में जीतो या 71 की जंग में जीतो या कारगिल वार में जीतो या पूरा का पूरा वर्ल्ड वार में जीत जाओ, हम सब कुछ हजम कर जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तुम्हारा पागलपंती में देखा गया सपना है, असल में तो बलूचिस्तान भी कहा तुम्हारा अपना है। तो फाइनली इंटरनेशनल जस्टिस डे के दिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भारत के साथ भी जस्टिस कर ही दिया। इस फैसले में उन्होंने ना सिर्फ कुलभूषण जाधव जी की फांसी पर रोक लगाई है, बल्कि मुझे और करोड़ों लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फैसला सुनाने वाली पाकिस्तान की आर्मी कोर्ट के सारे जजों को एक साथ फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया हो। पर मुझे एक डाउट है कि इस फैसले से व्यथित होकर, द्रवित होकर या कहे आत्मग्लानी में वो सारे के सारे जज एक साथ सामूहिक रूप से सुसाइड न कर लें, ऐसे गर्दन में रस्सी लपेट के ऐसे लटक जाएं, और अगर ऐसे करेंगे तो उनकी गर्दन ऐसे लटकेगी और ऐसे उनकी जीभ कुत्ते की माफिक बाहर आ गई। पर मुझे एक डाउट है, ऐसा हुआ तो भी ये पाकिस्तानी भारत पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस उसी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में ठोक देंगे। पर जीतेंगे ये तब भी नहीं, क्योंकि हमारे यहां तो सलमान के केस में मरे हुए हिरण को भी जिंदा प्रूव कर दिया जाता है, तो ये पाकिस्तानी जज केस खेत की मूली है। वैसे आजकल हर पाकिस्तानी सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा है, एक रुपए की, इस एक रुपए की कीमत तुम क्या जानो बाप जी, इस पाकिस्तानी बेटे से पूछो इस एक रुपए की कीमत। हर पाकिस्तानी वकील का अरमान है ये एक रुपया, पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं की जान है ये एक रुपया, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत की शान है ये एक रुपया। एक रुपए में? अरे एक रुपए में क्या आता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि एक रुपए में अक्षय आता है, सलमान आता है, शाहरुख आता है, अमिताभ आता है, सब आते हैं। अरे मुझे पता है एक रुपए में मूवी पैक की बात कर रहे हो, पर उस एक रुपए में सिर्फ वही मूवी पैक आता है जिस पर रात दिन बस सूर्य वंशम दिखाई जाती है। चलो मैं बताता हूं एक रुपए की कीमत। एक भारतीय रुपए की कीमत है पूरे 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, क्योंकि इस एक रुपए में आता है हिंदुस्तानी वकील हरीश सालवे, जो कि 20 करोड़ लेने वाले पाकिस्तानी वकील खाबर कुरैशी को कहता है, चाल बे हवा बदे और कुलदीप जाधव को भारत जाबा दे। भाई इस पाकिस्तानी वकील खाबर कुरैशी के तो नाम में ही खाबर है, और मारवाड़ी में खाबर का मतलब होता है खाना, तो ये तो पाकिस्तानी रुपए खाए गई, तभी तो पाकिस्तानी जनता के पूरे 20 करोड़ रुपए डकार गया है। अरे भाई इसमें से 8-10 करोड़ तो डेफिनेटली इमरान खान साहब को गए होंगे। क्यों? अरे भाई क्या बात करते हो, पिछली बार पाकिस्तानी इकोनॉमी को सुधारने के चक्कर में वो अपने तबेली की सॉरी सॉरी भैंसे बेच आए थे, तब से लेकर खां साहब, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी दूसरी बीवी, उनके उसके बच्चे, उनकी तीसरी बीवी और उनके भी बच्चे, यहाँ तक कि उनके स्टाफ के भी बच्चे, स्टाफ पूरा
बिना दूध के रह रहा है। अरे दूध बोल रहा हूं, दारू नहीं बोल रहा। दारू विस्की वो तो चल रही है, उसके बिना थोड़ी रह सकते ये लोग। खैर हम दूध पे आते हैं। तभी तो वो जब अभिनंदन इन्होंने पकड़ा था ना, भारतीय हीरो, तो उसको भी इन्होंने ब्लैक टी पिलाई थी और ऊपर से उससे कहलवा दिया था झूठी। टी वाज फैंटास्टिक। अब क्या करें, पर पाकिस्तान की आवाम को तो अब भारतीय रुपए की ताकत का पता चल ही गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, और हाँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े।